हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आज के लेक्चर में। और आज के लेक्चर में हमारा टॉपिक है सीड स्ट्रक्चर मोनोकोट का। तो आज के लेक्चर में मोनोकोट के सीड स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एंडोस्पर्म की। मोनोकोट के जो सीड्स होते हैं उनको हम लोग जनरली एंडोस्पर्मिक सीड्स भी कहते हैं। उसके पीछे रीजन है कि कुछ मोनोकोटिलेडन्स, मोस्टली मोनोकोटिलेडन्स जो होते हैं उनमें एंडोस्पर्म मैच्योरेशन के बाद भी पाया जाता है। देखिए, ये आपको दिखाया है कि एंडोस्पर्म की प्रेजेंस मैच्योर सीड में भी होती है, जबकि डाइकोट के अंदर एंडोस्पर्म एम्ब्रियो कम्प्लीटली यूटिलाइज कर लेता है। एंडोस्पर्म के बारे में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि एंडोस्पर्म का जो फंक्शन है वो है डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देना, और ये एंडोस्पर्म न्यूट्रिशन देते देते खत्म हो जाता है डाइकोट के अंदर। इसलिए एंडोस्पर्म मैच्योर सीड में नहीं देखने को मिलता अगर हम डाइकोट सीड्स को देखें तो। पर मोनोकोटिलेडन्स जो प्लांट्स हैं उनके सीड्स में एम्ब्रियो एंडोस्पर्म को कम्प्लीटली यूटिलाइज नहीं करता, इसलिए आफ्टर द मैच्योरेशन आप सीड के अंदर एंडोस्पर्म को स्टिल देख सकते हैं। इसीलिए मोनोकोट सीड्स को एंडोस्पर्मिक सीड्स के नाम से भी जाना जाता है। इनको हम जनरली एंडोस्पर्मिक सीड्स भी कहते हैं। कुछ एक्सेप्शनल ऑलवेज रहते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक्सेप्शनल केसेस है ऑर्किड्स। ऑर्किड्स में नॉन एंडोस्पर्मिक कंडीशन होती है, उनमें एंडोस्पर्म नहीं देखने को मिलता। तो यहाँ पर मोनोकोट के अंदर ऑर्किड एक्सेप्शनल केसेस है। बाकी अदरवाइज आप देखेंगे तो एंडोस्पर्म मोनोकोटिलेडिनस सीड्स के अंदर आपको मैच्योरेशन के बाद भी देखने को मिलेंगे। तो ये फूड टिश्यू है एंडोस्पर्म, जिसका काम एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देना था। एंडोस्पर्म कैसा होता है? एंडोस्पर्म इस बल्की, और उसका काम फूड स्टोर करना है। ये बल्की है और फूड स्टोर करता है। किसके लिए फूड स्टोर करता है? एम्ब्रियो के लिए। एंडोस्पर्म का काम फूड सप्लाई करना है एम्ब्रियो को, जिससे एम्ब्रियो डेवलप हो सके। तो जाइगोट से लेके एम्ब्रियो की जो सफ़र है, जाइगोट से एम्ब्रियो तक की जो पूरी सफ़र है वो कम्प्लीट करने के लिए एंडोस्पर्म की ज़रूरत है। इसके अदरवाइज जाइगोट अपना काम पूरा नहीं कर पाता। एंडोस्पर्म ने जाइगोट को फूड सप्लाई किया और उसी फूड का यूज़ करते हुए जाइगोट ने सेल डिवीजन किया और खुद को एम्ब्रियो के अंदर कन्वर्ट किया। तो ये हमने इम्पोर्टेंस देखा एंडोस्पर्म का। आगे बढ़ते हैं। सीड कोट, सीड को प्रोटेक्ट करने के लिए सीड कोट होता है। अगर आप कुछ सेल्स देखेंगे जैसे मेज है, तो उसके अंदर सीड कोट मेम्ब्रेनस होता है, जिसका मतलब होता है कि सीड का सीड कोट फ्रूट वॉल के साथ फ्यूज्ड हो जाता है। इस वजह से ऐसे केस में आप फ्रूट वॉल और सीड कोट इन दोनों को डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, दोनों आपस में चिपक चुके हैं। जबकि ऐसा आपको डाइकोट में नहीं देखने को मिलता, मोस्ट ऑफ डाइकोट्स में आपको नहीं देखने को मिलता। पर जैसे आपको बताया गया है कि मोनोकोट्स में कुछ स्पीशीज ऐसी है, मेजोरिटी में आपको ग्रास फैमिली में ऐसा दिखेगा, सीड कोट चिपक गया फ्रूट की वॉल के साथ, तो आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि यहाँ फ्रूट एग्जैक्टली कहाँ है और सीड कहाँ है। तो यहाँ पर आपको वो मिजोकार्प जो फ्लेशी होता है, जो एडिबल होता है, एक्सोकार्प, एंडोकार्प, इस तरीके का डिफरेंशिएशन फ्रूट वॉल में मिलेगा नहीं, क्योंकि फ्रूट वॉल जो है इसको हमने पेरिकार्प कहा था, और ये पेरिकार्प जो है वो डिफरेंशिएट होती है तीन लेयर के अंदर। एक्सोकार्प है, या जिसको हमने एपिकार्प कहा था, मिजोकार्प, एंडोकार्प। पर यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि फ्रूट वॉल जो है वो फ्यूज्ड हो गई है सीड कोट के साथ, इस वजह से आप लोग ये पार्ट्स नहीं देख पाएंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन है, ये आपको याद रखना है कि फ्रूट वॉल और सीड कोट के फ्यूजन की वजह से आप यहाँ सेपरेटली ये नहीं देख पाओगे, ये नहीं बता पाओगे कि एग्जैक्टली यहाँ सीड कौन सा है और फ्रूट कौन सा है। मोनोकोट के अंदर अब आगे हम देखते हैं एल्यूरॉन लेयर।
एंडोस्पर्म जो कि एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मोनोकोट की, मोनोकोट मैच्योर होने के बाद भी अपने सीड में एंडोस्पर्म की प्रेजेंस दिखाते हैं। एंडोस्पर्म एक्चुअल में फूड स्टोरेज यूनिट है, फूड स्टोरिंग टिश्यू है, जिसका काम साइगोट से डेवलपमेंट करवा कर मैच्योर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करवाना है, जो हमने पढ़ा। इस एम्ब्रियो को ये जो पूरा लेयर है एंडोस्पर्म से सेपरेट करने वाला, उसी के लिए हम वर्ड एल्यूरोन लेयर वर्ड यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर दो कंपार्टमेंट है। सबसे पहले अगर कंपार्टमेंट को देखें तो ये कंपार्टमेंट एक्चुअल में एम्ब्रियो का कंपार्टमेंट है, कॉटिलेडन या एम्ब्रियो। और दूसरा जो कंपार्टमेंट आया हुआ है, ये कंपार्टमेंट एंडोस्पर्म का कंपार्टमेंट है। ये दोनों कंपार्टमेंट को जो सेपरेट करता है, अगर वो लेयर आप देखेंगे तो वो लेयर प्रोटीन का बना होगा, और ये रहा वो लेयर। तो आपको इस तरीके से जो ये लेयर दिखा रखा है, इसी लेयर का नाम है एल्यूरोन लेयर, जो प्रोटीन से बना है, और इसका काम है एंडोस्पर्म को सेपरेट करना एम्ब्रियो से। एल्यूरन लेयर प्रोटीन से बना हुआ है और इसका काम एंडोस्पर्म वाले कंपार्टमेंट को एम्ब्रियो वाले कंपार्टमेंट से सेपरेट करना है। अब एम्ब्रियो का पोर्शन देखते हैं, एम्ब्रियो का लोकेशन कहाँ है। एम्ब्रियो छोटा होता है, यहाँ स्मॉल एम्ब्रियो आपको देखने को मिलेगा, और एम्ब्रियो लोकेटेड है ग्रू के अंदर, जो ग्रू एंडोस्पर्म के एंड की वजह से बनता है। यहाँ देखो एंडोस्पर्म का एंड देख रहे हैं, ये एंडोस्पर्म का एंड है और उससे ये जो ग्रू क्रिएट हुआ, ये वाला, तो यहाँ जो ग्रू क्रिएट हो गया, इसी में ये पूरा एम्ब्रियो सेट हो चुका है। छोटा है और कहाँ पर सिचुएटेड है, ये सिचुएटेड है ग्रू जो प्रेजेंट है एट द एंड ऑफ एंडोस्पर्म। जैसे मैंने आपको दिखाया, ये एंड ऑफ एंडोस्पर्म है, एंडोस्पर्म का यहाँ एंडिंग हो रहा है, ये एंडिंग की बॉर्डर है, और वहाँ एक ग्रू क्रिएट हो रहा है, और उस ग्रू के अंदर ही ये पूरा एम्ब्रियो सिचुएटेड है। लोकेशन हमने समझ ली है इसकी, पार्ट समझने बाकी है। एम्ब्रियो का सबसे पहला पार्ट है स्क्यूटेलम। किसे कहेंगे स्क्यूटेलम? तो हम जानते हैं कि मोनोकोट को मोनोकोट नाम इसीलिए दिया गया क्योंकि उसके पास सिंगल कोटिलेडन है, मोनो प्लस कोटिलेडन, मोनो मतलब सिंगल, और ये सिंगल है और लार्ज है, और इसी कोटिलेडन के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं स्क्यूटेलम। मतलब यहाँ पर जो कोटिलेडन है मोनोकोट में आया हुआ, उसी के लिए एक सेपरेट वर्ड यूज किया जा रहा है, वो है स्क्यूटेलम। स्क्यूटेलम मतलब और कुछ नहीं, मोनोकोट का सिंगल कोटिलेडन। ये सिंगल है इसलिए मोनो वर्ड आया है मोनोकोट के आगे, और दूसरा ये लार्ज भी है। और कैसे शेप का? शील्ड शेप का। शील्ड शेप कैसा होता है? जनरली हम ऐसा शील्ड बनाते हैं, इस तरीके का शील्ड आपने देखा होगा, पुराने राजा महाराजा तीरों से बचने के लिए जो एरोस मारने के लिए छोड़े जाते हैं, उससे बचने के लिए ऐसा शील्ड यूज करते थे। और यहाँ पर इसका शेप बेसिस शील्ड जैसा है। यह रहा स्क्यूटेलम, जिसके अंदर एम्ब्रियो आया हुआ है। तो ये है स्क्यूटेलम, जिसका शेप शील्ड जैसा है, और एक है लार्ज है, कोटिलेडन है ये, और इसके स्पेशल नाम दिया गया है स्क्यूटेलम, जिसके अंदर ही ये सब कुछ आया हुआ है, कोलेप्टाइल प्यूम्यूर रेडिकल कोलोराइजा, ये सब कुछ एम्ब्रियो का हिस्सा है। एम्ब्रियो एक्चुअल में सिचुएटेड है स्क्यूटेलम के आसपास, स्क्यूटेलस के ऊपर। उसके बाद पार्ट है कोलेप्टाइल। कुछ नए पार्ट्स यहाँ पर एम्ब्रियो में है, और उसको हम देखते हैं। प्लूम्यूल और रेडिकल तो हम पढ़ चुके हैं, पर
यहाँ देखिए, प्लूम्यूल को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर कॉलेप्टाइल नाम का लेयर है। तो प्लूम्यूल एनक्लोज्ड है शीथ के अंदर, पतले पतले मेम्ब्रेन्स जो प्लूम्यूल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एनक्लोज कर रहे हैं, उसी के लिए हम कॉलेप्टाइल वर्ड यूज़ करेंगे। तो प्लूम्यूल को एनक्लोज करने वाली शीथ मतलब कॉलेप्टाइल। सेम उसी तरीके से यहाँ पर एक और चीज भी हमें देखनी है, जिस तरीके से प्लूम्यूल को शीट्स कवर करती है, सेम उसी तरीके से कोलोराइजा भी है जो रेडिकल को कवर करता है। रेडिकल भी एनक्लोज्ड है शीट से और उसी शीट को हम कोलोराइजा कहेंगे जो रेडिकल को एनक्लोज करती है या फिर प्रोटेक्ट करती है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो यहां एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिला। कोलेप्टाइल और कोलोराइजा, प्लूम्यूल को कवर करता है कोलेप्टाइल, रेडिकल को कवर करता है कोलोराइजा, जो आपको डाइकोट में देखने को नहीं मिला था। डाइकोट में ये स्ट्रक्चर्स नहीं थे। बस इतना ही आपको समझाया गया है मोनोकोट सीड के स्ट्रक्चर के अंदर। यहां पर मेज का सीड हमने समझने के लिए यूज किया था। और जैसे यहाँ पर एक और चीज़ आपको दिख रही है कि सीड कोट और फ्रूट वॉल आपस में फ्यूज हो गई हैं, इसलिए आप यही समझिए कि यही जो स्ट्रक्चर है वो सीड है और इसके ऊपर फ्रूट वॉल चिपकी होगी। आपको फ्रूट जैसा यहाँ नहीं देखने को मिलेगा। तो सीड कोट और फ्रूट वॉल यहाँ आपस में स्टिक है। इस तरीके से मैंगो जैसा स्ट्रक्चर नहीं होगा कि बाहर आपको फ्रूट का बहुत अच्छा और डिफ्रेंशिएटेड लेयर देखने को मिलता है। आप बता सकते हैं कि ये फ्रूट का पार्ट है और जब मैंगो को अंदर खोलते हैं तो अंदर से एक सीड निकलता है, और फिर ये भी बता सकते हैं ये सीड का पार्ट है। यहाँ ऐसा नहीं बता पाएंगे, यहाँ आपको ये दिखाना मुश्किल हो जाएगा कि कहाँ फ्रूट है। यहाँ मेजोरिटी पोर्शन आपको सीड का दिखेगा क्योंकि फ्रूट की वॉल सीड के कोट के साथ फ्यूज हो चुकी है, मेम्ब्रेनस है। तो ये डिफरेंस है मोनोकोट और डाइकोट के बीच का। और इसके साथ साथ आपने मोनोकोट के सीड स्ट्रक्चर को देखा, एम्ब्रियो स्ट्रक्चर को भी देखा। बस यहाँ तक का लेक्चर है आज, और नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।